समझ में नहीं आ रहा है दादाजी, ऐसे लग रहा है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए। कैसे बचाऊंगी मैं अपने मृत्युंजय को फांसी के फंदे से? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हूं बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुद्र ने चाहे पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक रखी, लेकिन हम उसकी सच्चाई पहले से जानते हैं। हम बताएंगे जयराज को। पापा प्लीज, मे आई कम इन? पापा गुड इवनिंग। पापा पापा, तेरी इसी आदत की वजह से मैंने सालों तुझे जिंदा लाश बना के रखा। अजीब है ना, हर बार ठीक हो जाता है, हर बार ठीक हो जाता है। कोई बात नहीं। अच्छा अभी ऑनेस्टली बता, मुंह बंद रखना है कि फिर से जिंदा लाश बनना है? बता रुद्र। ये मत सोचो कि हर बार तुम्हारा बस चल जाएगा। हम पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बताएंगे। जयराज, 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 अरे ये क्या कर रहे हो? मैं बाबा को बुलाती हूँ। बाबा, बाबा, चलो बाबा। अब पापा को इंजेक्शन क्यों लगा रहे? मैं बताती हूँ बाबा। हम झूठे लोगों से बात नहीं करना चाहते। हम बताते हैं जयराज, हम जब कमरे में आए तो तारा पिताजी को वही सब झूठी बातें बता रही थी जो उसने तुम्हें बताई थी। पापा ये झूठ बोल रहा है। सब बातें सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी और वो तुम्हें बुलाने लगी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं मजबूर ने दवाई का इंजेक्शन देना पड़ा। नहीं बाबा, मेरी बात का यकीन करिए, इंसान झूठ बोल। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस दादाजी ने तुम्हें यहां रहने की इजाजत दी, तुम उन्हीं की तबीयत खराब कर रही हो। पापा, आज आपको मेरे किसी भी बात पर विश्वास नहीं। मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं अपनी सच्चाई साबित करने का। जब आपको पता चलेगा मैं कितनी सही थी और मैंने कभी कभी भी आपको धोखा नहीं दिया, फिर पापा। पिताजी, पापा, ए पापा। दादाजी, रुमाल है क्या? ऐसे क्या देख रही है? झूठ बोले कौवा काटे। कुछ नहीं जानते वकील साहब, हम सिर्फ इतना जानते कि हमारे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। आप जरूरी कागजात तैयार करवाइए, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर ये केस रीओपन हुआ तो पुलिस आदित्य तक पहुंच जाएगी। आज ही के आज आप किसी को भी यहाँ भिजवाइए, हमारे जरूरी सिग्नेचर लीजिए। मामले में एक पल की भी देरी नहीं चाहिए। गए अपने लाडले भतीजे से मिलने।
उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछने। मेरी आखिरी इच्छा तुम्हारी मौत है। आराम से आराम से। हमें पता था, पता था हमें तुम ऐसी ही कोई बेवकूफी की हरकत करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तारा और तुम्हारे परिवार का क्या हश्र होगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अब बेवजह वक्त बर्बाद कर रहे जयराज जी। तो समझे नहीं है आप, कहना क्या चाहते हैं? आप ही सोचिए जयराज जी, ये मृत्युंजय का पाप ही है जो ग्रहण बनकर हमारे घर को लगा है। तो क्या हम उसे फांसी पे चढ़ जाने दें? सोच भी कैसे सकती है? बेटा है वो आपका। मृत्युंजय हमारा बेटा नहीं है। पता नहीं कहां का गंदा खून है वो, जिसके पाप का साया हमारे घर पर पड़ा हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने परवरिश दी है उसे। पर खून खून होता है जयराज जी, उसके रगों में जो खून बह रहा है उसी की वजह से वो ये सब कर रहा है। कंपनी में गबन, धोखाधड़ी, फ्रॉड, आपने तो उसे अपना बेटा मान लिया, पर क्या वो अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहा है? अरे जो अपने बाप को दुनिया की नजरों में मारकर कैद कर लिया हो, जिसने अपने भाई की कंपनी में करोड़ों का घोटाला किया हो, जिसने अपनी ही चुनावी रैली में अपने भाई पर गोली चलवाई हो, वो कोई दिग्गज ही होगा। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी रुद्र प्रताप, याद रखना। सजा तो तब मिलेगी ना जब कोई जिंदा बचेगा। तू तो जा रहा है, तारा पर किसी को भरोसा नहीं। और रही बात आदित्य, उसको कुछ मत करना। ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने अपना फर्ज न निभाया, लेकिन हम बाप होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। हम उसे उस गुनाह के लिए फांसी चढ़ते हुए नहीं देख सकते जो उसने किया ही नहीं। आप होने के नाते ना सही, पर एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है किसी बेगुनाह को सजा होने से रोके। एक बार मृत्युंजय को इस गुनाह की सजा मिल जाए, फिर हमारे आदि के गले से फांसी के फंदे का खौफ हमेशा के लिए हट जाएगा। हाय हाय, तेवर तो देखो। तुम्हारा ये राज मैं सबके सामने लाऊंगा। तुम्हारी असलियत मैं दिखाऊंगा सबको, सबको दिखाऊंगा तुम्हारी ये असलियत। कलावती का राज सबको बताने चला है और सोचता है कलावती चुप बैठेगी। जानता है एक वक्त था जब मैं खुद लोगों से चीख चीख के कहना चाहती थी कि मैं कलावती हूं, मैं कलावती हूं, मैं कलावती हूं। पर तब मेरे मनहूस बाप ने मेरा मुंह बंद करके और मेरे माथे पे रुद्र प्रताप का मुहर लगा दी। लेकिन अब अगर कोई ये राज बताएगा तो वो केवल मैं, और वो भी तब जब मैं चाहूंगी। कसम खाती है कलावती कि इस बार की होली तेरे खून से खेलेगी।
अच्छा, भले ही तेरा बेवकूफ भाई इल्जाम अपने सर ले ले, भले ही कानून तुझे बरी कर दे, फांसी की सजा तुझे कलावती देगी, दसवीं बार करा रही हूं, ध्यान से कर, ता है ता है ता है, करो। अरे जलेबी बना रही है क्या कलमुही? नाक कटाएगी मेरी? पुलिस समारोह में मेरे साथ नाचना है कि नहीं? मुझसे नहीं हो रहा है, आजकल मैं तुझे कुछ ज्यादा डांटने लगी हूं ना, उस दिन भी जब तू मेरी कठपुतलियों से खेल रही थी तो मैंने तुझे डरा दिया था। अच्छा इधर बैठ, बैठ तो सही। अब क्या करूं मैं, इतनी टेंशन चल रही है ना, तारा अच्छी खासी घर छोड़ के जा रही थी, रुक गई, तो मेरा बाप न जाने क्या चमत्कार हो गया है, ठीक होने लगा है बुढ़ा, ऊपर से मुआ ये होली समारोह। अब वो मैं सोच रही थी कि इस बार इस घर में होली समारोह मेरे ढंग से करें, प्लीज। तुझे अच्छी तरह पता है ना, सालों से इस घर में निर्मला के हिसाब से समारोह होता आया है, तो इस बार मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, वादा करती हूँ, हमारी जो भी चाले उल्टी पर थी ना वो एक झटके में ठीक कर दूंगी मैं, पक्का प्रॉमिस। मानेगी नहीं ना? अच्छा चल जा, कर ले अपनी मर्जी। आई लव यू कैली। हाँ, पर नाचना तुझे मेरे साथ ही पड़ेगा समारोह में। इस बार खून की होली खेलेंगे, खून की होली खेलेंगे। अरे कहाँ गए? रुक क्यों गई? ठिठोली भी नहीं समझती, ठिठोली भी नहीं समझती, ठिठोली भी नहीं समझती। नहीं नहीं मेरी नंद, नंद नंद नंद। कैली, ये सब क्या हो रहा है? ये सफाई किस लिए? होली का त्योहार है, बड़ी बहुरानी साहब सफाई के लिए बोला। बंद करो ये सब, कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। तुम दोनों जाओ किचन में, आदि के लिए पराठे लेकर आओ। कहाँ जा रहे हो? क्या कहा गया था तुमसे? साफ सफाई करने की। और कर क्या रहे हो तुम? जाओ पहले जाके ऊपर की सफाई करो। देवरानी जी, पराठों के लिए परेशान मत हुई, वो मैं ला दूंगी। अब मीठी इस घर में है नहीं तो उसकी जगह किसी को तो लेनी होगी ना। मीठी की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। पराठी मैं ले आती हूं। रुको, तुम्हारी जरूरत होली की सजावटों में होगी, रसोई का काम मैं संभालूंगा। कोई सजावट नहीं होगी क्योंकि इस घर में कोई होली नहीं खेलेगी।
सजावट तो होगी देवरानी जी, मैं खेलूंगी इस घर में और खूब जम के खेलूंगी। आप भी खेलना हमारे साथ आती जी। लिए थे बेटे की फिक्र है सबको, और घर का सगा बेटा जिसकी शादी के बाद ये पहली होली है उसकी फिक्र नहीं है किसी को। बड़ी बहू है हम इस घर की और मनाएंगे इस घर में होली। ढेर सारे मेहमान आएंगे, पकवान बनेंगे, रंग बिखरेंगे, इतने धूमधाम से मनाएंगे ये होली कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। अरे 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 तारा, हम तो भूल ही गए थे शादी के बाद तुम्हारी भी ये पहली होली है ना। क्या आखिरी? जो भी हो जम के मनाना। जी बहू रानी। हमारी देवरानी जी के लिए स्पेशल लाल मिर्ची वाला रंग मंगवाना। गोरी त्वचा पे मलने में बड़ा मजा आएगा। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। सुर नीचे रख के बात कीजिए। बड़ी बहू है हम इस घर की, हरी जेठानी। जो करना चाहती हो वो करो, लेकिन हम यहां रुककर तुम्हारी मनमानी नहीं देखेंगे। रामदीन गाड़ी निकालो। रामदीन गाड़ी निकालेगा पर तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। वैसे आज पैर तो ठीक ठाक है ना तुम्हारे? जोसेफ। जी भवानी। मैडम के लिए ऑटो बुलवा दीजिएगा और जरा थोड़ी चिल्लर तो देना। लाओ। रख लो, काम आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए बेटा, सब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे पता है पापा, आपके और तारा के होते हुए मुझे क्या हो सकता है। तारा ने आपको राय जी के बारे में बोला? हाँ बोला। बहुत सारे झूठ। झूठ? सब पकड़ में भी आ गए बेटा। पापा, तारा कैसे झूठ बोल सकती? उसने आपको सबूत दिखाया कि नहीं ताजी के गबन के, उनके सारे करतूतों के? सबूत तो हमने वो भी देखे बेटा, जो ये बताते हैं कि गबन भाई साहब ने नहीं, आपने किया है। क्या बाबा? बाबा यहां देखिए, मुझे देखिए बाबा, मेरी आंखों में देखिए बाबा। आपको लगता है मैं ये कर सकता हूं? आंखों देखा झुटला भी तो नहीं सकता। हाँ बताइए,
अचानक आपको इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? हमसे मांग लिया था बेटा, हम दे देते आपको। एक बार मांग के तो देखा होता, आपको सब कुछ दे देते बेटा, पर इस तरह गबन करना। हाँ, मेरी बात तो सुनिए एक बार। बस हाँ। और ऊपर से हमारे देवता जैसे भाई के ऊपर इल्जाम डाल, आपसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, हमें नहीं थी। बाबा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप झूठ और सच का फर्क नहीं कर पा रहे। हाँ बेटा, नहीं कर पा रहे। अंधा हो गया था ना आपके और तारा के प्यार में, पर खैर छोड़िए, हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार है बेटा। हम आपको इस जुर्म की सजा से बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया। आपका कर्म आपके साथ है, हमारा फौज हमारे साथ। चलते हैं बेटा। बाबा, बाबा, बाबा! जो लोग ये सोचते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, उन्हें अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। अरे बुराई जब चाहे अच्छाई की गर्दन खींच के रख सकती है। अरे तुम यहाँ हो और ये क्या, अपने आप से ही बतिया रही हो? ये भी नहीं कि मुझसे पूछ लो कि शॉपिंग में क्या लेकर आई। आ गई तो शिकायत का पुलिंदा, आजा मेरे पास बैठ। और ये क्या कर रही हो, रस्सी बुन रही हो? अरे अगर चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, मैं बाजार गई थी ले आती। अरे ये होममेड है, होममेड की बात ही कुछ और होती है, खास काम के लिए खास रस्सी। खास काम? ऐसा कौन सा खास काम है? रस्सी के साथ रस्सी कूदोगी? स्किपिंग? अरे मैं भी करूंगी, बड़ा मजा आएगा। छन पकैया, छन पकैया, छन के ऊपर खांसी, वो रस्सी खास होवे जिससे लगावे खांसी। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। रुक 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 रुक, देख इसको ऐसे, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, ऐसे। कितने किलो की होगी तू? 45 किलो की तो तू होगी, 5 किलो का तेरा मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े हो गए 50। मजबूत है? अरे चिल्ला क्यों रही है? दर्द हो रहा है। तोली तो रही हूँ, दिखा। ओह रुक 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 रुक, आय हाय 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 हाय। अरे आग लगे इस मुई रस्सी को, तेरी नाजुक सी गर्दन पे लाल निशान छोड़ गई, पर अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, गोरी है ना, हर रंग अच्छा लगता है तुझ पे। अच्छा मुस्कुरा तो दे, दिखा दिखा, मैजिक 32 दिखा। अरे हंस तो सही। चल रुक, अभी रुक। देख क्या लाई हूं तेरे लिए। आहा, बड़ी बहू है तू इस घर की। लोग पूछेंगे पति ने होली पर क्या उपहार दिया,
शान से दिखाना। चलो अपनी शॉपिंग दिखा मुझको। दिखा क्या शॉपिंग करके लाई है? और ये भी बता कि निर्मला कहाँ गई ऑटो में बैठ के? अरे अब तक नाराज है, मुस्करा दे, हंसो हंसो हंसो, मेरी नंदू, मेरी नंदू नंदू नंदू, हंसी हंसी तो हंसी। इनके हर जरूरी कागज इसी बक्से में होती थी, आप देख लीजिए। ये पेज कहाँ है? इस पे 16 में की एंट्री हो सकती है। 16th में, ये तो उसी दिन की एंट्री है जो हम ढूंढ रहे थे, और ये पन्ना भी उसी रजिस्टर से फड़ा हुआ है। गोविंद शुक्ला। क्या नाम कहा आपने? गोविंद शुक्ला। गोविंद शुक्ला तो पिताजी के पुराने दोस्त हुआ करते थे, कई सालों से वो जेल में ही है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। गोविंद शुक्ला। अब की होली में क्या धूम करनी है दीदी साहेब? अरे दैया, मैं तो भूल ही गई थी, होली की तैयारी अधूरी रह जाती। फोन दे मेरा, फोन दे, कहाँ है? अरे यहीं तो रखा था, कहाँ गया? नमस्कार जेलर साहब, बस एक छोटा सा काम था वो। कर ली तैयारी? अरे अब अपने मृत्युंजय और तारा से वादा कर बैठी हूँ तो निभाना तो पड़ेगा ना। इस बार होली पर गुलाल नहीं, टूटे हुए अरमान उड़ेंगे। इस बार होली पर पिचकारियों से रंग नहीं, खून की होली खेलेगी, खून की होली खेलेगी। गोविंद शुक्ला, बहुत दिनों बाद किसी मुझे अपने इस नाम से पुकारा है। आप हमें जानते हैं? नहीं तो? झूठ बोल रहे हैं आप। आप हमें जानते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें भी जानते हैं जो हमें भी नहीं पता। रुकिए, कहां भाग रहे आप? थक नहीं गए आप? इन सारे सवालों से भागते भागते एक बार सबका जवाब देकर आजाद क्यों नहीं हो जाते? आपने जो बच्चा बाबूराम को अनाथ आश्रम में दिया था वो हमारा था ना? सालों से मुझे इस दिन का इंतजार था कि किसी रोज आपसे मुलाकात होगी और सारा सच मैं आपको बता दूंगा। प्लीज बताइए, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बात उस दिन की है। चलो ये रख लो,
अरे रख लो, बच्चा पैदा होते ही मार देना। निर्मला कुछ पूछेगी तो हम समझा देंगे, ठीक है? डॉक्टर ने कमरे से बाहर आके वो बच्चा मुझे सौंप दिया और उसने बताया कि आप अभी भी बेहोश हैं और मैं उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया। आपने उस बच्चे को? नहीं, मुझसे ये पाप नहीं हो पाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उस मासूम से बच्चे के भोले भाले चेहरे को देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने उस बच्चे को बाबूराम के अनाथालय में दे दिया और रुद्र प्रताप से कह दिया कि मैंने उस बच्चे को मार दिया है। लेकिन रुद्र प्रताप को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं ये राज मेरे जरिए दूसरे लोगों तक न पहुंच जाए, इसीलिए उसने एक झूठे इल्जाम में मुझे फंसा दिया और तब से लेकर आज तक मैं उम्र कैद की सजा काट रहा हूं यहां पर। सालों से इस दिल पर एक बोझ था कि मैंने एक मां से उसके बच्चे को जुदा कर दिया है। आप जानते हैं अब वो कहां पर है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो बच्चा दोबारा मेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आया। पर हां, जब मुझे सजा हुई तो बाबूलाल मुझसे मिलने के लिए यहां आया था। उसने बताया कि उस बच्चे को शहर के एक बहुत बड़े घराने के एक सज्जन पुरुष ने गोद ले लिया है। किसने? उसने कोई नाम बताया होगा? हां, जयराज सिंह शेखावत, मशहूर शेखावत ग्रुप के मालिक हैं। जयराज सिंह। मतलब जयराज जिस बच्चे को घर लेकर आए थे वो हमारा बेटा था। मतलब मृत्युंजय हमारा बेटा है।